आज अपन कक्षा अष्टमी का अध्याय हमें संसद क्यों चाहिए का भाग तीन पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने दो भाग पढ़े, आज भाग नंबर तीन। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा उसमें अपन ने देखा कि सार्वभौमिक मताधिकार किसे कहते हैं, कक्षा में एक क्लास मॉनिटर का चुनाव टीचर के द्वारा या भैया बहनों के द्वारा किया जाता है, यानी एक तो था अपना मनोनीत रूप में और एक था निर्वाचित रूप में। लोगों उसके प्रतिनिधियों के बारे में पढ़ा और कुछ प्रश्नों को भी देखा, अपने क्षेत्र के विधायक के बारे में, एमएलए के बारे में देखा, यानी देखा जाए तो राज्य और केंद्र सरकार मिलकर कौन से काम करती है और कौन से राज्य सरकार काम करती है। इसके अलावा आगे अपन बढ़ते हैं संसद की भूमिका क्या है, इस संसद की आवश्यकता क्यों पड़ी, संसद किस तरह से कार्य करती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहले भी मैंने बता दिया कि अपनी जो संसद है वह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है और इसमें जो सदस्य होते हैं वह निर्वाचित सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, अपनी जो संसद है वह अपने भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। ये जो अंदर का जो चित्र आपको दिख रहा है, ये जो चित्र है वह संसद हॉल का चित्र है। अंदर की ओर अपने सांसद को बैठाने की जगह है जो दिख रही है और ये संसद का बाहर का रूप है। इस तरह से अपनी संसद दिखती है, देख लीजिए। और ये भारत का नक्शा आपको दिख रहा है, भारत का जो तिरंगा है अपना वो दिख रहा है आपको। ये संसद है अपनी, ये संसद में बैठने के लिए सांसदों के स्थान है। आगे अपन देखते हैं भारतीय संसद देश की सर्वोत्तम कानून निर्माती संस्था है। सवाल बनता है अपना कि देश की सर्वोत्तम कानून निर्माती संस्था कौन सी है, तो संसद क्या है, संसद है वह देश की सर्वोत्तम कानून निर्माती संस्था है। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। मैंने बोला कि संसद अपनी होती है वो राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, तो इसमें राज्यसभा में जो सदस्य संख्या होती है वो 245 होती है। तो अपना सवाल भी बनता है कि संसद में जो राज्यसभा होती है उसके सदस्य कितने होते हैं, 245 होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। अपना सवाल और एक बनता है कि जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वह संसद के सभापति होते हैं। ठीक है, संसद के सभापति यानी संसद का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, वह सभापति होता है। राज्यसभा के सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। एक राष्ट्रपति होता है और एक उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह अपने देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, वह राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, संसद की भूमिका, अब संसद की भूमिका क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। आज़ादी के बाद
गठित की गई इस भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक थी। यानी आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद, जो भारतीय संसद थी वो लोकतंत्र के सिद्धांतों की आस्था का प्रतीक थी। एक तरह से लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन का क्या थी, प्रतीक थी। कौन थी? संसद। ठीक है, इंपोर्टेंट सवाल भी अपना ये आस्था का प्रतीक है वो संसद है अपनी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सिद्धांत है निर्णय। अब सिद्धांत क्या क्या? एक तो निर्णय लेने की प्रक्रिया, कोई भी व्यक्ति होगा निर्णय लेने की प्रक्रिया करेगा। निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति। अब कोई भी निर्णय लेने में जनता की हिस्सेदारी कितनी है, उसकी सहमति कितनी है या सहभागिता पर आधारित होती है। हमारी व्यवस्था में संसद के पास बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। संसद को कुछ शक्तियाँ दी गई है, महत्वपूर्ण शक्तियाँ दी गई है, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। संसद हमेशा जनता का प्रतिनिधि करती है, इसलिए जनता संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं। मैंने बोला संसद में एक लोकसभा होती है, लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसलिए लोकसभा में भी क्या होते हैं, चुनाव। ठीक है, लोक चुनाव, लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, अपने राज्य, प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है जिसमें अपन विधानसभा के चुनाव कहते हैं, MLA के चुनाव कहते हैं। उसी प्रकार लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो सांसदों के चुनाव होते हैं। ठीक है, अपने अगर एरिया का देखा जाए तो जालौर और सिरोही मिलकर एक सांसद को खड़ा करता है, यानी एक सांसद है, जैसे देवजी एम पटेल। अभी वर्तमान में अपने जो सांसद है वो देवजी एम पटेल हैं। और अगर भीनमाल का अपने देखा जाए तो भीनमाल में अपने जो विधानसभा के सदस्य यानी MLA है वो है पूराराम चौधरी। ठीक है, तो राज्य स्तर पर तो विधानसभा के चुनाव होते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं सांसदों के यानी लोकसभा के चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हम 5 साल के चुनाव करवाए जाते हैं। कितने साल के? 5 साल के चुनाव होते हैं। कितने साल लोकसभा के चुनाव कितने साल के होते हैं? 5 साल के होते हैं। सवाल भी बनता है अपना कि लोकसभा के चुनाव कितने साल के लिए होते हैं? 5 साल के लिए होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के चुनाव 5 साल के लिए होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं। जैसा कि प्रश्न संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है कि देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी अपने देश का जो क्षेत्रफल है उसमें अलग अलग एरिया वाइज में निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया, यानी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व खड़े होते हैं। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। जैसे अपने जालो और सिरोही का एक व्यक्ति सांसद है, वो है देवजी एम पटेल, जो लोकसभा में जाते हैं, संसद में जाते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, यानी अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। जैसे अपने देवजी एम पटेल है वो BJP के सदस्य है। ठीक है, इसी प्रकार पूराम चौधरी है MLA है वो विधानसभा में, वो भी BJP के सदस्य है। तो अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य है। जैसे राजनीतिक दल क्या होते हैं, जैसे कांग्रेस है, BJP है, ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, आप है, बहुत सारे अलग अलग है। आगे देखते हैं, नीचे की दी गई तालिका में माध्यम से आइए इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। 16वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम। 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। ठीक है, 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। राष्ट्रीय दल, जिसमें जो निर्वाचन हुआ, राजनीतिक दल और निर्वाचित सांसदों की संख्या। अब इसमें राजनीतिक दल कितने थे? राजनीतिक दल और निर्वाचित सांसदों की संख्या। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, जिसे अपन BJP कहते हैं, या भाजपा, जिसमें निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी? 282 थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसमें एक थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट 9 थी,
इंडियन नेशनल कांग्रेस 44 और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 6, ठीक है। ये राजनीतिक दल है, ये राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल है। अब राज्य स्तर के राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी आप 4 सदस्य जीते थे, ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मुन्नेत्र कड़गम 37, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 34, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 3, बीजू जनता दल बीजेडी 20, इंडियन नेशनल लोकदल 2, इंडियन यूनियंस मुस्लिम लीग 2, जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 3, जनता दल सेक्युलर 2, जनता दल यूनाइटेड 2, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2, लोक जनशक्ति पार्टी 2, लोक जनशक्ति पार्टी 6 सॉरी झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2, लोक जनशक्ति पार्टी 6, राष्ट्रीय जनदल राजद 4, समाजवादी पार्टी सपा 5, शिरोमणि अकाली दल 4, शिवसेना 18, तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS 11, तेलुगु देश पार्टी TDP 16, अन्य क्षेत्रीय पार्टी 7, पंजीगत अमान्य प्राप्त दल 16 और स्वावलंबी 3, यानी कुल योग 543, ठीक है। तो अपने जो चुनाव हुए 2016 के लोकसभा के चुनाव, उसमें से अपनी सबसे ज़्यादा जो सीटें थी वो बीजेपी की थी, ठीक है। तो बीजेपी की सरकार बनी थी। आगे देखते हैं, बगल में दी गई तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। कौन सरकार बनाएगा, क्यों? बीजेपी सरकार बनेगी, क्यों बनेगी? क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा सीटें आई है, जीती है। विपक्ष किसको कहा जाएगा, यानी जब हार, विपक्ष वही होता है जब दो आपस में पार्टियां होती है और जीतने वाले के सामने जो दूसरी पार्टी होती है वो विपक्ष होती है, उसकी क्या भूमिका होती है, ठीक है, वो भी चुनाव में खड़ी होती है। लोकसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होते हैं, लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री अपने होते हैं, ठीक है। क्या ये प्रक्रिया, और सांसद होते हैं, क्या ये प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई प्रक्रिया जैसी है ही है, सही है। प्रश्न संख्या 28 पर दिए गए चित्र में 1962 में हुए तीसरे लोकसभा चुनाव के परिणाम दिखाए गए हैं। इस चित्र के आधार पर निम्नलिखित सवालों के जवाब दें, ये आपको स्वयं करने हैं। लोकसभा में किस राज्य के सांसद सबसे अधिक है, आपके विचार से ऐसा क्यों है, क्योंकि जिसकी ज़्यादा सीटें होगी उस गाँव का सांसद बनेंगे। लोकसभा में किस राज्य के सांसदों की संख्या सबसे कम है, ठीक है। किस राजनीतिक दल के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें जीती है, और आपके राज्य में कौन सा दल सरकार बनाएगा, कारण बताइए। ये आपको इस सारणी में देखकर आपको इसको करना है 2014। आगे देखेंगे, आगे देखते हैं 15वीं लोकसभा। ये 15वीं लोकसभा के चुनाव है जिसमें अलग अलग सीटों की प्राप्ति दी हुई है। 2009 में जो चुनाव हुए थे 15वीं लोकसभा में, उसमें अगर देखा जाए तो अपने जो प्रधानमंत्री थे वह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा ने 21 सीटें, भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा ने 116 सीटें, और इसमें सबसे ज़्यादा सीटें आई थी वो कांग्रेस की आई थी, इसलिए सरकार कांग्रेस की बनी थी जिस समय अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे 2009 में। और अगर 2014 में देखा जाए तो अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी हैं, ठीक है, थीके? और वर्तमान में भी देखा जाए तो प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र जी मोदी हैं। आगे देखते हैं, चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद MP, लोकसभा में जो चुने जाते सदस्य उसको सांसद या MP कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MP की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। तो सांसद किसे कहते हैं, ठीक है, जो संसद के सदस्य होते हैं वो सांसद कहलाते हैं। जो संसद के सदस्य होंगे उसको अपन सांसद कहेंगे। तो सांसद किसे कहते हैं, संसद के सदस्यों को सांसद कहते हैं। आगे देखते हैं, इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है, और सभी अलग अलग क्षेत्रों के सांसदों को मिलाकर क्या बनाई जाती है, संसद बनाई जाती है। संसद कैसे बनती है, तो अलग अलग सांसदों जीते हुए सांसदों को या निर्वाचित सांसदों को मिलकर संसद बनती है। ओके, संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। पहला काम, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। अपन को मालूम है जब संसद बन जाती है तो उसको क्या क्या काम करते हैं होते हैं, ठीक है, तो उसको कार्य दिए जाते हैं। पहला काम है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, तो यानी
जो भी सरकार बनती है उसका चुनाव करना, सरकार कैसी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? दो सदन। एक तो मैंने बोला, पहले भी बोला था, भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन चीज़ें होती है। उसमें राष्ट्रपति के अलावा दो सदन होते हैं, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा। ठीक है, एक तो सवाल भी बनता है कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति के अलावा दो सदन कौन से होते हैं? तो दो सदन होते हैं राज्यसभा और लोकसभा। क्या होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। आगे देखेंगे, इसमें पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है, और जब अलग अलग क्षेत्रों से जीते हुए सांसद होते हैं तो चुनाव के बाद क्या बनाई जाती है? उनकी सूची बनाई जाती है कि भाई किस किस क्षेत्र से कौन कौन सांसद जीता है। इसे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों से जो जीतते हैं तो उनके अलग अलग दल होते हैं। कोई बीजेपी से जीत के आता है, कोई कांग्रेस से जीत के आता है, कोई आप से जीत के आता है, कोई माकपा से जीत के आता है, तो उनके अलग अलग लिस्टें बनती है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा होती है, जिस दल की ज़्यादा सीटें होती है उसकी सरकार बनती है। आगे देखते हैं, तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होता है। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होता है। यानी अगर किसी की सरकार बनानी चाहिए और कुछ सांसदों की कमी पड़ रही है तो वह दूसरे सांसदों को खरीद कर, ठीक है, वह अपनी सरकार बना सकता है। क्योंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? मैंने बोला 545 होते हैं, उसमें से 543 तो लोकसभा के कुल सदस्य होते हैं और दो होते हैं मनोनीत सदस्य, चुने हुए। क्या होते हैं? चुने हुए सदस्य। दो लोकसभा के 543 सदस्य और दो मनोनीत सदस्य। कितने होते हैं? दो मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए कुल आकर 245 सदस्य होते हैं। इसमें मिलाकर लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 245। यानी 243 प्लस 2, तो 243 तो निर्वाचित होते हैं और दो होते हैं वो मनोनीत होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 245। तो लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो 245 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। तो 543 तो निर्वाचित तो दो मनोनीत चुने जाते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। यानी 243 में से अगर किसी की सरकार बनानी है तो कितना बहुमत होना चाहिए? 272 का बहुमत होना चाहिए, दो से। यानी कुल सांसद 272 होने चाहिए, और जिस पार्टी के 272 सांसद होंगे उस दल की सरकार बनेगी। वर्तमान में अपन देखें 2016 के अंदर, 2016 में जो चुनाव हुए उसमें जो बीजेपी की जो सीटें थी, जो बीजेपी की जो सीटें थी 2014 में जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी की सीटें थी वो 282 थी। तो स्पष्ट बहुमत था तो सरकार किसकी बनी? बीजेपी की सरकार बनी। ठीक है, आगे देखते हैं। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाला दल या गठबंधन का विरोध, गठबंधन का होता है, अगर उसको बहुमत पूरा प्राप्त नहीं है तो वो दूसरे दल से सहयोग करके एक गठबंधन बनाता है, अपनी गठबंधन सरकार बनाता है। विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। तो विपक्षी दल किसे कहते हैं? सवाल भी अपना भला कि विपक्षी दल किसे कहते हैं। तो संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले, यानी कोई भी गठबंधन का विरोध करता है, बहुमत दल प्राप्त के गठबंधन करने वाले विरोध करने वाले राजनीतिक दल को विपक्षी दल कहते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम है। कार्यपालिका कार्य करने का काम करती है, देश की व्यवस्था करने का, देश में कार्य करने का, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम है। तो लोकसभा का महत्वपूर्ण काम क्या है? कार्यपालिका का चुनाव करना। ठीक है, जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का चुनाव कर समूह है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करते हैं। यानी कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ठीक है, जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। यानी जिसकी सरकार होती है
उसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में अपने नरेंद्र जी मोदी अपने देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, अलग अलग मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। यानी अपने सांसदों में से अलग अलग मंत्रियों का चुनाव करता है, ठीक है, जो मिलकर फैसलों को लागू करते हैं, आपस में मिलकर फैसले लेते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हो सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा से संबंधित, वित्त से संबंधित इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। अलग अलग कार्य के मंत्री होते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री जो स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, जैसे वर्तमान में अपने कोरोना का जो काम चल रहा है वो स्वास्थ्य विभाग के अंदर चल रहा है, स्वास्थ्य मंत्री संभाल रहा है कि भाई कोरोना के अंदर उसको कैसे निपटाया जाए, ठीक है, उसके ऊपर नियंत्रण कैसे किया जाए, इससे कैसे बचा जाए, तो ये पूरा कार्य स्वास्थ्य मंत्री संभाल रहा है। शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, वित्त के क्षेत्र में इत्यादि आगे देखेंगे। हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, ठीक है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। बाकी अपन अध्याय भाग नंबर 4 में पढ़ेंगे कि सरकार कैसे बनती है, ठीक है, गठबंधन क्या होता है, ठीक है। इसके लिए आज के लिए इतना, धन्यवाद।